और चमोली से बड़ी खबर है, हेमकुंड साहिब यात्रा फिर से शुरू की गई है। हेमकुंड जाने वाले श्रद्धालुओं को रवाना किया गया है। मौसम खराब होने की वजह से यात्रा रोकी गई थी, बर्फबारी और बारिश की वजह से यात्रा रोकी गई थी। हेमकुंड में भारी बर्फबारी हुई है, 1 फीट बर्फ गिरी है और मौसम खराब होने की वजह से यात्रा रोकी गई है। हेमकुंड साहिब यात्रा को फिर से शुरू कर दिया गया है और भारी बर्फबारी और बारिश की वजह से यात्रा पर ब्रेक लगाया गया था। श्रद्धालुओं को गोविंद घाट, घांघरिया में सुरक्षित स्थानों पर रोका गया था। मौसम ठीक होने के बाद श्रद्धालुओं को यात्रा पर रवाना कर दिया गया है। पिछले 2 दिन में हेमकुंड साहिब और आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है, करीब 1 फीट तक बर्फ पड़ी है। तो मौसम ठीक होने के बाद हेमकुंड साहिब की यात्रा एक बार फिर से प्रारंभ कर दी गई है। खराब मौसम के कारण यात्रा को रोका गया था। जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे थे उन्हें हेमकुंड साहिब से पहले रोका गया था भारी बर्फबारी के कारण, मौसम खराब होने के चलते, लेकिन अब एक बार फिर से यात्रा को शुरू किया गया है। तो बेहद ही खूबसूरत वादियों के बीच में हेमकुंड साहिब का दरबार है और हर साल जब भी चारधाम यात्रा प्रारंभ होती है तब हेमकुंड साहिब की यात्रा भी प्रारंभ होती है और देश भर से तमाम श्रद्धालु हेमकुंड साहिब में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं।